मैं मोहम्मद सैफुल्ला, चेयरमैन गौसे आज़म फाउंडेशन। आप सबको ये जानकर पता होगा कि आज हम लोग जिला कलेक्टर खरगोन के ऑफिस में आए हैं। यहाँ पूरे खरगोन के जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी कमेटियाँ हैं, जितने भी अंजुमन हैं, सबके सदर, सबके अध्यक्ष यहाँ आए और मैं भी गौसे आज़म फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यहाँ हाजिर हुआ। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता होगा कि जिला नासिक में वहाँ पे एक धार्मिक प्रोग्राम था, जिस धार्मिक प्रोग्राम में एक बाबा है जिनका नाम है रामगिरी बाबा। उन्होंने 15 अगस्त को जब पूरा भारत यौम आज़ादी मना रहा था, खुशियां मना रहा था, उस दौरान उसने एक प्रोग्राम किया और उसी दौरान उसने हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम सब मोमिनों की माँ हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर अभद्र टिप्पणी किया। साथ में उसने भड़काऊ भाषण दिया और ये लगातार हेट स्पीच करता रहा और साथ ही साथ जो है धार्मिक उन्माद को पैदा करने की कोशिश करता रहा। दो समुदायों के बीच में नफरत पैदा करने की इसने भरपूर कोशिशें किया और साथ ही साथ इस पर एक बात और सामने आई कि उसके कुछ दिन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवराज शिंदे ने बाकायदा एक प्रोग्राम किया जिसमें उस साधु, उस महाराज, उस बाबा के साथ मंच को साझा किया और उसने कहा कि इन साधुओं की आशीर्वाद से ही हमारी सरकार चल रही है। हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि साहब, आपने शपथ संविधान का लिया है, किसी साधु या महात्मा की शपथ आपने नहीं लिया है। और सरकारें गिरती या चलती हैं वो किसी साधु महात्मा के आशीर्वाद से नहीं बल्कि जनता के वोट से, यानी जनता के आशीर्वाद से चलती है और जनता ही के वोट से गिरती है। तो इसलिए आपको संविधान के तहत काम करना चाहिए। आपका ये बंदा जो है, जो बाबा है रामगिरी बाबा, ये राजनीति संरक्षण प्राप्त बाबा है। आप इसको जितना भी बचाना चाहो बचा लो, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। संविधान हमें इजाज़त देता है कि अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है तो आप आईटी एक्ट कानून के तहत जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के एसपी, उस क्षेत्र के इंचार्ज, उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर, उस क्षेत्र के आईजी को आप जाके बात कर सकते हैं, उनको एफआईआर लिखवा सकते हैं और ये उनका क्षेत्राधिकार होता है कि वो आपकी एफआईआर को दर्ज करेंगे ही करेंगे। हम इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर महोदय के पास हाजिर हुए थे और आने के बाद हमने ज्ञापन दिया है और जिला कलेक्टर महोदय को मैंने अपने अंदाज में बात बता दिया है, क्योंकि हम इस काम को लगातार बरसों क्या मांग क्या करिए आप मांग ये की है कि उसको उस पर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा कृत्य ना कर सके, काम ना कर सके। रही बात, हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि पहले जमाने में आज से 1400 साल पहले रेगिस्तान का वातावरण क्या था, हजरत बीबी आयशा सिद्दीका की उम्र क्या थी और हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी, उस जमाने में शादी होती थी या नहीं होती थी। 6 साल की उम्र में हजरत बीबी आयशा का उनसे निकाह हुआ था लेकिन रुखसती जो है 9 साल के बाद हुई थी, तो वो शादी के लायक हो गई थी इसलिए हुआ था। ये बहुत सारी बातें हैं, कभी वो बाबा हमसे मिले, बात करें, डिबेट करें, फिर मैं बताऊंगा कि असली कहानी क्या है। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।